जिससे वर्ल्ड की 69% पॉपुलेशन डरती है, उसका टेक्निकल डेफिनेशन है इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शंस, व्हिच मींस ब्रेन डेड होना ही अल्टीमेट डेथ कहलाता है। और इसीलिए अगर ब्रेन को किसी तरीके से रिस्टोर कर लिया जाए तो हम अमर हो सकते हैं। बट ब्रेन इतना डेलिकेट ऑर्गन है कि इसे टच करने से ही इसके कई न्यूरॉन्स मर जाते हैं। ब्रेन के क्रेनियल नर्व्स को भी किसी और सिस्टम या बॉडी के क्रेनियल नर्व से जोड़ना फिलहाल बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। एक अमेरिकन न्यूरोसर्जन थे बाय द वे रॉबर्ट व्हाइट के नाम से, इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किया था जिसमें इन्होंने एक बंदर के सर को दूसरे बंदर के धड़ से जोड़ दिया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के महज 8 दिनों बाद ही उस बंदर की मौत हो गई। अब भले ही एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, डोंट वरी, आज क्वांटम मैकेनिक्स ने कॉन्शियसनेस की मदद से इमॉर्टल होने का एक रास्ता खोज निकाला है। बेसिकली कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन में डेवलप होता है, जिसे इस्तेमाल करके हम अपनी आसपास की चीजों को पर्सनल लेवल पर समझ सकते हैं। सो कॉन्शियसनेस इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन, और इसी के जरिए हमें खुद की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी मिलती है। तो अगर किसी का कॉन्शियसनेस कॉपी कर लिया जाए तो उसका पूरा लाइफ टाइम का डेटा, उसके सोचने का तरीका, उसकी फेवरेट चीजें एटसेट्रा एटसेट्रा हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगी और वो इमॉर्टल हो जाएगा। अब ये होने की पॉसिबिलिटी को प्रूफ करने का पूरा क्रेडिट जाता है ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को याद करने वाले रॉजर पेनरोज को। लेकिन इसकी शुरुआत रॉजर पेनरोज के जन्म से भी काफी पहले से हुई। 1924 लुई डी ब्रॉली नाम के एक साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने एक ऐसी घटना को पेश किया जिसे ऐसा लगने लग गया कि पूरा यूनिवर्स ही कॉन्शियस है और खुद से डिसीजंस ले रहा है। उन्होंने ये कहा, जैसे लाइट ड्यूअल नेचर दिखाता है, यानी एक ही साथ में पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली उसी तरह यूनिवर्स में प्रेजेंट हर चीज जैसे मैटर, इवन मैं और आप ड्यूअल नेचर दिखाते हैं। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि यूनिवर्स अपना फिक्स नेचर ना दिखा के लूडो के जैसे प्रोबेबिलिस्टिक गेम खेल रहा हो, जो फिजिसिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज इससे यूनिवर्स का एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर सामने आ रहा था, ना कि डिटर्मिनिस्टिक, जो कि मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट जिसमें उस वक्त बिलीव करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से यूनिवर्स को अपने फिक्स फिजिकल लॉस की वजह से प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ना कि अनसर्टन। लेकिन 1927 में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके तहत उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हमारे लिए क्वांटम पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। अब उस वक्त साइंटिस्टों को डी ब्रॉली हाइपोथेसिस और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों ही चीजें हजम नहीं हो रही थी, पर कुछ फिजिसिस्ट लाइक नील्स बोर और मैक्स प्लैंक इन कॉन्सेप्ट्स के साथ थे। और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर जब नील्स बोर ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तब उन्हें काफी वियर्ड रिजल्ट्स मिले। सो हुआ यूं कि जब नील्स बोर ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट से पास किया, तब उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स राइट या लेफ्ट स्लिट से पास होकर स्क्रीन पर रैंडमली टकरा रहा है और एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा है, मानो इलेक्ट्रॉन्स एज वेव्स बिहेव कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने जब उसी सेम सेटअप में एक डिटेक्टर की मदद से कॉन्शियसली इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं इस बार बल्कि पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ था। इन शॉर्ट, जब भी कोई कॉन्शियस बीइंग या मेजरिंग डिवाइस इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी को कॉन्शियसली मॉनिटर करता है, या फिर फिजिक्स की भाषा में जैसे कह सकते हैं मेजर करता है एक्टिवली, तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर सम वियर्ड रीजन अपने वेव स्टेट से पर्टिकुलर स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पार्टिकल बन जाते हैं। और इसीलिए 1932 में फिजिसिस्ट वॉन नॉयमैन ने साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट पास किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई कॉन्शियस क्लासिकल ऑब्जेक्ट या अपैरेटस के थ्रू हम क्वांटम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो क्वांटम सिस्टम अपना रूप बदलता है और वो एक नए सिस्टम में तब्दील हो जाता है। अब क्योंकि कॉन्शियसनेस एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और क्वांटम मैकेनिक्स के साथ लिंक करके कॉन्शियसनेस के एग्जिस्टेंस का आंसर मिलते दिख रहा था, बस फिर क्या था, काफी सारे साइंटिस्ट, यहां तक कि जाने माने क्वांटम फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने सीधा क्वांटम पार्टिकल्स के लिए एक वेव इक्वेशन डिराइव किया। ये इक्वेशन बेसिकली ये बताता था कि कोई पार्टिकल लेफ्ट जाएगा या राइट, बट इस इक्वेशन का एक तीसरा स्टेट भी था कि पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में जा सकता है अंटिल एंड अनलेस उसका वेव फंक्शन किसी कॉन्शियस मेजरमेंट के चलते कोलैप्स नहीं हो जाए। इस तीसरे स्टेट को नाम दिया गया सुपरपोजिशन स्टेट। फिर इसके बाद श्रोडिंगर ने कॉन्शियसनेस और क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेशन पर एक बुक माइंड एंड मैटर भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस कुछ और नहीं एक कॉम्प्लेक्स क्वांटम फिनोमेनन है जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में होता है। और फिर इस किताब से साइंटिस्टों को एक नया पर्सपेक्टिव मिला, जिससे उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के सपोर्ट से कॉन्शियसनेस के एग्जिस्टेंस को मान ली। साथ ही उन्होंने ये भी मान लिया कि कॉन्शियसनेस कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक और फिजिकल फिनोमेनन है,
और ये कॉन्सेप्ट इतना फैसिनेटिंग था कि रॉजर पेनरोज इसमें खुद रुचि लेने लग गए और उन्होंने इसमें आगे काम करके ये प्रूफ कर दिया कि हम शायद कभी नहीं मर सकते हैं। सो रॉजर पेनरोज के मुताबिक हमारा ब्रेन भी एक क्वांटम सिस्टम की तरह है जो हमेशा सुपर पोजिशन में रहता है। दरअसल 1989 में उन्होंने एक बुक लिखी थी द एम्परर्स न्यू माइंड करके, जिसमें उन्होंने कहा कि वेव फंक्शन के कोलैप्स होते ही क्वांटम पार्टिकल सुपर पोजिशन स्टेट से किसी पर्टिकुलर स्टेट में आ जाते हैं। तो बेसिकली जैसे आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब भी कोई ऑब्जर्वर या मेजरिंग डिवाइस था तो इलेक्ट्रॉन्स सुपर पोजिशन यानी कि अपने वेव जैसे स्टेट से वो एक पार्टिकल जैसे स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहे थे। इसे बेसिकली कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। इसी तरह हमारा ब्रेन भी एक क्वांटम सिस्टम है जो सुपर पोजिशन स्टेट में होता है और जैसे ही उसका वेव फंक्शन कोलैप्स होता है कॉन्शियसनेस जन्म ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एप्पल, तो आपके ब्रेन का वेव फंक्शन जो सुपर पोजिशन स्टेट में था वो कोलैप्स हो गया इंटू अ पर्टिकुलर स्टेट इंटू अ पर्टिकुलर थॉट। उसके बाद वो एप्पल के बारे में सोचने लगेगा बिल्कुल जैसा क्वांटम वर्ल्ड में होता है। बट देयर इज अ कैच हियर। कुछ लोग एप्पल फ्रूट सोचेंगे, कुछ लोग उसकी स्पेलिंग सोचेंगे, कुछ लोग को मे बी फोन दिखेगा और कुछ लोग उसके शेप एंड कलर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम सबका कॉन्शियसनेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है जिसकी वजह है हमारे डिफरेंट ब्रेन्स और अगर और डिटेल में हम जाएं तो हमारा यूनिक डीएनए। देखो पूरी दुनिया में सबका डीएनए 98% तो सेम ही होता है और बचे हुए 2% ही सिर्फ हमें अलग बनाते हैं जो मोस्टली न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में एक्सप्रेस होता है। अब अगर देखा जाए तो डीएनए के अंदर 300 करोड़ न्यूक्लिक बेसेस होते हैं और इसीलिए इसका 2% इज स्टिल 6 crores यानी 6 करोड़ डिफरेंट न्यूक्लिक बेसेस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हर इंसान दूसरे से 2^6000 times डिफरेंट हो सकता है, जो यही दर्शाता है कि एक इंसान के दिमाग में इनफिनिट नंबर ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं जस्ट लाइक इन अ सुपर पोजिशन स्टेट। और कॉन्शियसनेस इसी सुपर पोजिशन स्टेट यानी इंटरफेरेंस पैटर्न से एक पर्टिकुलर स्टेट यानी पर्टिकुलर पैटर्न में आने से आती है। अब ये कॉन्सेप्ट काफी प्रॉमिसिंग था बट इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। पेनरोज के हिसाब से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स क्वांटम सुपरपोजिशन के लिए काफी बड़े हैं और इतने बड़े स्ट्रक्चर्स में सुपरपोजिशन होने के चांसेस काफी इम्पॉसिबल है। इन शॉर्ट कॉन्शियसनेस का मैकेनिज्म तो था थियरी में पर ब्रेन में कोई स्ट्रक्चर नहीं था जो क्वांटम मैकेनिकली कॉन्शियसनेस को जन्म दे सकता था। और लगभग अगले 10 सालों तक ये पर्सपेक्टिव खो गया था क्योंकि बात आगे नहीं बढ़ रही थी अंटिल एनेस्थीशियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरऑफ ने पेनरोज की बुक पढ़ी और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी करे उन्हें मेल किया। उन्होंने पेनरोज से कहा कि आपका पर्सपेक्टिव पॉसिबल है अगर वो न्यूरॉन्स के बजाय उनके अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स के जाल को कंसिडर करे तो। हैमरऑफ के अनुसार न्यूरॉन्स अपने सिनेप्टिक टर्मिनल्स पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स चारों दिशाओं में फैले होने की वजह से सिग्नल ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटीज इनफिनिट होती है, बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स की तरह। अब इन इनफिनिट पॉसिबिलिटीज के वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स किसी भी दिशा में जाकर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर सकते हैं बट जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हैं वो इनफिनिट पॉसिबिलिटीज कोलैप्स हो जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर एक पर्टिकुलर दिशा में ट्रैवल करने लगते हैं। फिर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स उस डायरेक्शन में न्यूरॉन को रिलीज करते हैं जिससे हम उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच पाते हैं। ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन राइट? बट आज भी काफी सारे साइंटिस्ट फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स इस रिसर्च में बिलीव नहीं करते। उनके हिसाब से कॉन्शियसनेस एक फिजिकल फिनोमेनन है ही नहीं और इसीलिए उसे क्वांटम फिजिक्स से स्टडी नहीं किया जा सकता। वहीं पर दूसरे तरफ इलॉन मस्क है जो पेनरोज की तरह कॉन्शियसनेस को एक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया था कि कॉन्शियसनेस कॉपी किया जा सकता है और वो ऐसे हवे में ये बात नहीं कर रहे क्योंकि वो खुद न्यूरल लिंक के जरिए इसी चीज पर काम भी कर रहे हैं जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया था। पर चलो एक बार इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं। न्यूरोलिंक बेसिकली एक 3072 इलेक्ट्रोड से बनी हुई चिप है जिसे ब्रेन में इंप्लांट किया जाएगा जिससे ब्रेन एक कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाएगा। इनफैक्ट इसे एक बंदर पर सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि न्यूरोलिंक इंप्लांट करने के बाद कैसे वो मंकी अपने ब्रेन के जरिए ये गेम को कंट्रोल कर रहा है। एंड आई नो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि कॉन्शियसनेस को रीड करना काफी स्पेक्यूलेटिव, लेकिन लॉजिकली न्यूरोलिंक अगर किसी इंसान के 50% न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी अगर ट्रेस कर ले तो ये कॉन्शियसनेस को समझने का एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा। और इसके अलावा अगर रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरऑफ की थियरी प्रैक्टिकली करेक्ट है और कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन कर देती है फिर तो न्यूरोलिंक की मदद से हमारा अमर होना, डिजिटली अमर होना इज कंप्लीटली पॉसिबल, वो भी विद टू सिंपल स्टेप्स,
सबसे पहला, हमारे डेथ के पहले ब्रेन्स को कॉन्शियसनेस स्कैनर से स्कैन और कॉपी किया जाएगा और फिर एक ह्यूमनॉइड या ह्यूमन साइबोर्ग या होस्ट कंप्यूटर पर हमारे कॉन्शियसनेस को अपलोड किया जाएगा और उसे हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया जाएगा अंटिल इट कैन बी यूज्ड इन एनी अदर एंटिटी। बट इसके इमोर्टैलिटी के अलावा भी कई सारे फायदे हुए, जैसे कि हम कोई भी स्किल्स लाइक कराटे, सिंगिंग, डांस एक्सेट्रा को भी पल भर में इस अपने ह्यूमनॉइड बॉडी में अपलोड करके सीख पाए। लेकिन इलॉन मस्क के हिसाब से हम इसे एआई को डिफीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एआई को जो पता है उसे न्यूरलिंक के जरिए अपने कॉन्शियसनेस में अपलोड करके हम एआई से हमेशा एक स्टेप आगे रह पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एआई कॉन्शियस हो रहा है और वो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। कैसे, ये मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया, इसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, कॉन्शियसनेस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको मजा आया और फाइनली आप ये समझ गए कि कॉन्शियसनेस को साइंस एक्सप्लेन कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है इन द नियर फ्यूचर, तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।